की बड़ी खबर वैशाली जिले के लालगंज से है, जहां कोलकाता और बिहार एसटीएफ की संयुक्त छापेमारी में करतहा थाना क्षेत्र में मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन हुआ है, जिसमें अर्धनिर्मित हथियारों का जखीरा बरामद किया गया है। इसके साथ साथ लेथ मशीन व हथियार बनाने के कई उपकरण भी बरामद किए गए हैं, जिसे जब्त कर करतहा थाने पर लाया गया है। जानकारी के मुताबिक कोलकाता एसटीएफ को सूचना मिली कि बिहार के वैशाली जिले के करतहा थाना क्षेत्र में एक पेवर ब्लॉक बनाने की आड़ में मिनी गन फैक्ट्री का धंधा चल रहा है। सूचना के आधार पर बिहार एसटीएफ और करतहा थानाध्यक्ष प्रवीण कुमार की मदद से कोलकाता एसटीएफ करतहा थाना क्षेत्र के जोगी ब्रह्म चौक के निकट पहुँची, जिसमें कई पुलिसकर्मी सिविल ड्रेस में थे और अचानक छापेमारी शुरू कर दी। प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो छापेमारी के दौरान काफी संख्या में अर्धनिर्मित हथियार के साथ साथ हथियार बनाने के उपकरण और लेथ मशीन बरामद की गई है। वहीं मौके से कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है, जिससे पूछताछ की जा रही है। जब्त सभी सामान को करतहा थाने पर लाया गया है। करतहा थाने पर सदर एसडीपीओ ओम प्रकाश भी पहुंचकर मामले की तहकीकात कर रहे हैं। हालांकि पुलिस अभी इस मामले में कुछ भी बताने को तैयार है। सुनने में आया है यहाँ बंदूक बनता था। कहाँ पे? यही महिंदा राय के चिमनी में। कौन जगह है? लालसवा चौक। कैसे आपको जानकारी हुआ है कि बंदूक? सब लोग आपस में चर्चा है। पुलिस छापेमारी कर रही है। पुलिस छापेमारी कर रही है। वो कहा लेथ सब उखड़ गया उसमें। लेथ मशीन भी बरामद। हाँ, कोई पकड़ा है भैया? कोई? हाँ, दो तीन को पकड़ा है। आप लोग यही देखने के लिए खड़े हैं? हाँ, खड़े हैं। एकदम चौक से सटा हुआ ये जगह है। एकदम चौक से सटा हुआ जगह है। हम लोग आज तक जाने नहीं, 24 घंटा यहाँ रहते हैं। हम लोग आज तक भनक भी नहीं लगा कि यहाँ क्या हो रहा है। यही जान रहे कि इसमें सीमेंट का ईंट बनता है, फ्लाई है। जाने आज जाने हैं, आज जाने हैं डॉक्टर साहब। ये सीमेंट के फ्लाई ऐश ईंट बनाने के आड़ में ये सब हो रहा था। आज हम लोगों को पता चला। पहले कुछ ऐसा देखते थे कि जो ना? कुछ नहीं, कुछ आज तक पता नहीं चला, कुछ नहीं।